तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोबारा से स्वागत है आपको हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ में तो हेल्प करेगी, पर आपको मैनिपुलेट करने में भी हेल्प करेंगी दूसरों को। तो इसमें हम तीन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। पहली टेक्निक है इको, और इस टेक्निक में आपको बस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और बात को दोहराना है। जैसे कि अगर मैं कुछ बात करूँ किसी से, जैसे उसने बोला कि हाँ मेरा प्रमोशन मेरे बॉस ने नहीं दे रहा है, तो मैं इस तरह बोलूँगा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि बॉस कभी कभी प्रमोशन नहीं देते हैं। ऐसे करके ईको करके हम ईको टेक्निक के हिसाब से हम दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक पे, जिसमें जहाँ पर इस टेक्निक का नाम है डोर इन द फेस। पहले आपको इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा डिमांड करना है, जैसे कि आप कुछ ऐसा डिमांड कर सकते हैं जो वो आदमी एक्सेप्ट ना करें। जैसे अगर आपको किसी से रुपीज़ मांगना है, तो आप पहले उसको बोल सकते हैं कि अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि मुझे 500 रुपीज़ दे देने, फिर वो रिजेक्ट कर देगा। तो फिर आप उससे बोल सकते हैं, आपको एक्चुअल नीड से थोड़ा ज़्यादा बोलना होता है तो आप 500 रुपये की जगह आप बोल सकते हैं कि क्या तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे, अब वो आपको दे देगा। अब यही टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें मार्केट और एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करके लिए हमसे ज़्यादा रुपीज़ खर्च करवाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टेक्निक में। इस टेक्निक का नाम है फुट इन द स्टेप, और ये मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया होगा तो स्क्रीन में उसका नेम आ जाएगा। तो इसमें हमें छोटी छोटी रिक्वेस्ट से बड़ा रिक्वेस्ट मांगना है। जैसे मुझे किसी से पेंसिल मांगना है और वो मेरे को डायरेक्टली नहीं दे रहा है, तो मैं उससे छोटा चीज़ मांगूंगा कि मैं बोलूँगा कि पहले रेज़र मांग लूँगा, फिर उसको वापस कर दूँगा, फिर शॉर्पनर मांग लूँगा, फिर वापस कर दूँगा। ऐसे करके लास्ट में मैं उससे पेंसिल मांगूँगा। अब वो मेरे को पेंसिल के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे रिक्वेस्ट कर लिए और उसने एक्सेप्ट किया है, और उसे अब अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना। तो गाइस और फ्रेंड, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट में बताइए ये। और अगर आपको ब्रेन के बारे में और जानना है और आपको दिमाग की शक्ति बढ़ानी है और याद करने में हेल्प हो करना है, तो अभी आपके सामने एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, वो आपका रिमेंबर का पावर बढ़ा देगा। तब तक के लिए बाय बाय।